नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक ऐसी वनस्पति के बारे में बात करेंगे, ऐसे पौधे के बारे में बात करेंगे, ऐसी जड़ी बूटी के बारे में बात करेंगे जो कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में जो आप पौधे देख रहे हैं, आप इसको अच्छे से पहचान लीजिए, जान लीजिए। आज इसी पौधे के बारे में हम बात करेंगे, इसके औषधि गुणों के बारे में बात करेंगे। जी हाँ दोस्तों, दोस्तों अगर आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो आपके चेहरे पे चमक आएगा, बालों का जो सफ़ेद होने की समस्या है उसको दूर करता है, आपका शरीर फौलाद बनाएगा, मजबूत बनाएगा, सुंदर बनाएगा, सुडोल बनाएगा, और दोस्तों आपको जल्दी से बुढ़ापा नहीं आने देगा, आप लंबे समय तक स्वस्थ रहेंगे, हेल्दी रहेंगे, कई बीमारी से आप बचे रहेंगे। तो दोस्तों ऐसे ही बात करेंगे, आप इस वीडियो में जो पौधे देख रहे हैं इसको अच्छे से पहचान लीजिए, इसके फूल और पत्ती को पहचान लीजिए और इसी के बारे में बात करेंगे। दोस्तों यह पौधा आपको अक्सर मंदिर के किनारे या फूल गमले में, गार्डन में या कहीं भी आपको आसानी से मिल जाता है। पूरे भारतवर्ष में ये उगने वाला पौधा है और इसके फल फूल बहुत सुंदर होते हैं दोस्तों, जो कि देख रहे हैं इसमें वाइट कलर का है, कुछ लाल होता है, बैंगनी होता है, गुलाबी होता है, लाल होता है, बहुत सारे फूल होता है दोस्तों। तो दोस्तों चलिए, यह एक ऐसा पौधा है दोस्तों, सर्दी हो या गर्मी हो या बरसात हो, हमेशा यह हरी भरी रहने वाला पौधा है आप जो देख रहे हैं। दोस्तों इस पौधे का नाम है सदाबहार। जी हाँ दोस्तों, सदाबहार इसीलिए कहा गया है कि यह सर्दी हो या गर्मी हो या ठंडी हो, हर समय दोस्तों यह हरा भरा रहता है, फूल खिलते रहता है इसमें, तो दोस्तों इसी की वजह से इसको सदाबहार कहा जाता है। दोस्तों जिसे इसका नाम है सदाबहार, उसी तरह हमारे शरीर पे जब औषधि के रूप में आप प्रयोग करेंगे तो हमारे शरीर में जो बीमारी है उसको दूर करने के लिए, आपके चेहरे को चमकाने के लिए, आपको सफ़ेद बाल को काले करने के लिए, इसी तरह यह सदाबहार की तरह काम करता है। तो दोस्तों चलिए आज इसी के बारे में हम डिटेल से बात करेंगे, इसका कैसे प्रयोग करना चाहिए, कौन कौन सी बीमारी में प्रयोग करना चाहिए और किस मात्रा में करना चाहिए। तो दोस्तों अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो दोस्तों एक लाइक कर देना, एक लाइक करने से मेरा मोटिवेशन अप होता है, जिसके वजह से आपके लिए हम ऐसे ही वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। चलिए दोस्तों इसको विस्तार से जानते हैं। दोस्तों कहीं कहीं इसको नैन तारा के नाम से भी जाने जाते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम इसके फ़ायदे के बारे में जानते हैं। अगर मधुमेह यानी कि डायबिटीज़ के मरीज हैं उनके लिए बहुत अच्छा इस औषधि का प्रयोग है। दोस्तों उसके लिए क्या करें, सुबह सुबह खाली पेट आप जाएं और इसके 3-4 पत्ती, कोमल पत्ती जो नए नए निकले होते हैं ना, वो कोमल पत्ती ले करके और उसको अच्छे से धुल करके और उसको चबा करके खा लेना चाहिए और एक गिलास पानी पी लेना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, ध्यान देंगे कि आपको सुबह सुबह खाली पेट इसका सेवन करना है। इस तरह से अगर आप करते हैं तो आपकी जो डायबिटीज़ है वह कंट्रोल में रहता है, शुगर लेवल कंट्रोल में रहता है और खून में जो इंसुलिन की मात्रा कम हो जाता है ना दोस्तों, उसको यह बढ़ाता है अगर आप ये कंटिन्यू प्रयोग में लाते हैं तब तो ये तो मधुमेह को सही करता ही है। साथ साथ दोस्तों अगर स्किन प्रॉब्लम है, जी हाँ चर्म रोग जिसको बोलते हैं, उसको अगर हो गया है तो उसमें भी बहुत अच्छा इसका प्रयोग है, जैसे दाद, खाज, खुजली, एक्जिमा, सोराइस इस तरह से या फोड़े फुंसी की समस्या है उनके लिए भी बहुत अच्छा इसका प्रयोग है। दोस्तों यकीन करिए, आपको अगर किसी को हो गया है तो आप इसका कैसे प्रयोग करेंगे मैं बता दे रहा हूँ। दोस्तों इसके लिए जैसे पत्ता आप तोड़ेंगे ना तो उससे रस निकलता है। जी हाँ दोस्तों, वो रस को इकट्ठा कर लें और जहाँ भी दाद, खाज, खुजली, एक्जिमा या चर्म रोग है वहाँ पे आप इसको लगाएं, कंटिन्यू 5 दिन लगाएं। दोस्तों यकीन मानिए, आपका जो दाद, खाज, खुजली, एक्जिमा जैसी बीमारी है या फोड़े फुंसी की समस्या है, या तो इसका पत्ती पीस करके भी आप लगा सकते हैं, वह फ़ायदा करेगा तो वो जड़ से ख़त्म कर देता है। दोस्तों इसके साथ साथ अगर बवासीर की समस्या है, चाहे खूनी हो या बादी, दोनों के लिए बहुत अच्छा है, कारगर है, उसके लिए आप क्या करें, इसके फूल ले आएँ, एक मुट्ठी फूल ले आएँ और उसको अच्छी तरह से पीस करके पेस्ट बना लें। दोस्तों जहाँ पर मस्से है, बवासीर का जो मस्से है जहाँ पे भी हो आप उस पर लगाएँ, और जी हाँ दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, मस्से पे लगाएंगे इस तरह से, जैसे कि रात में सोते टाइम लगा लीजिए और सुबह तक उसको धुल दीजिए। इस तरह से अगर आप कंटिन्यू 2 से 4 दिन करेंगे तो मस्से को धीरे 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 काट करके वो गला करके और झड़ जाता है। दोस्तों ये बवासीर के लिए बहुत अच्छा है, आप ज़रूर इसका प्रयोग करें।
अब दोस्तों अगले फायदे की बात करते हैं। जैसे कि चेहरे पे दाग धब्बे पिंपल्स झाइयाँ एक्ने जैसी प्रॉब्लम हो जाता है तो दोस्तों उनके लिए तो बहुत अच्छा प्रयोग है। आज से नहीं हजारों साल से पहले से इसका प्रयोग किया जा रहा था। पहले भी राजा रानी या महिलाएं लोग इसका प्रयोग करके अपने सौंदर्य को निखारते थे। तो दोस्तों आज बताएंगे आपको कैसे इसका प्रयोग करेंगे आप। दोस्तों उनके लिए क्या करना है, आपको फूल और इसके कोमल कोमल पत्ती दोनों बराबर मात्रा में ले करके और उसका पेस्ट बना लें। पेस्ट बनाने के बाद उसमें हल्का सा गुलाब जल डाल लें और इसको क्या करें अपने चेहरे पे, जहाँ भी चेहरा पे झाइयाँ हो एक्ने हो या पिंपल्स ऐसी समस्या है आप इसको लगाएं। लगा करके आधा घंटा छोड़ दें। इसके बाद किसी भी नॉर्मल पानी से आप साफ कर लें। जी हाँ दोस्तों धो लें। इस कैसे करते हैं तो आपको एक से दो दिन में ही आपको फ़र्क अपने चेहरे पे दिखने लगेगा और दोस्तों इतना जवान जैसा चेहरा चमकने लगेगा चेहरा आपका। बुढ़ापा जो झाइयाँ के वजह से आने लगते हैं या एजेड दिखने लगते हैं वो चीज़ को ख़त्म कर देता है। तो इतना ही नहीं, अगर कोई जहरीले कीड़े काट लिया हो जैसे बिच्छू हो गया ततैया हो गया या इस तरह से कोई भी कर दिया बहुत दर्द होता है सूज जाता है दोस्तों, उसके लिए आप इसके पत्ते को पीस करके आप उस जगह लगा दें। आपको 5 मिनट में आराम मिलेगा और अगर सूज गया है तो उसको भी सही करता है। दोस्तों अगले फायदे की बात करें, जैसे असमय बाल सफ़ेद होने का होता है, बाल झड़ने की समस्या होता है, बालों में रूसी या किसी भी प्रकार के बालों से लेकर समस्या है तो दोस्तों आप एक नियम डेली का एक नियम बना लीजिए और सुबह सुबह इसके 4-5 पत्ते तोड़ करके और वहाँ पे उसको खा करके पानी पी लीजिए। दोस्तों इस तरह से आप कंटिन्यू करेंगे 15 से 20 दिन आपके जो झड़ने की समस्या होता है बालों का वो भी सही हो जाएगा, बाल पकने की समस्या है उसको भी सही करता है। दोस्तों बालों के लिए बहुत अच्छा है इसका प्रयोग है, आप ज़रूर करें इसका। दोस्तों अगर इसको नियमित रूप से आप सेवन करते हैं तो छोटी मोटी जो इन्फेक्शन होता है ना जैसे सर्दी खांसी जुकाम ऐसी सब समस्या से अभी आपको छुटकारा मिलेगा, क्योंकि आपकी इम्यूनिटी शक्ति को यह बढ़ाता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। इसके साथ साथ आपके चेहरे पे जो झाइयाँ हो जाता है बुढ़ापा समय से पहले लगने लगता है उसको भी यह दूर करने के लिए बहुत अच्छा है। बस 1-4 पत्ती आप सुबह सुबह इसका सेवन करें। जी हाँ दोस्तों आपका शरीर चुस्ती फुर्ती तंदुरुस्त रहेगा। अगर दोस्तों किसी पुरुष में स्टेमिना की कमी हो जाता है, धातु रोग हो जाता है या कमजोरी हो जाता है दोस्तों उनके लिए भी बहुत अच्छा प्रयोग है। आप इसके जड़ को ले आइए और सुखा करके पाउडर बना लीजिए। इसके बाद जितनी मात्रा में आप पाउडर ले रहे हैं उतनी मात्रा में मिश्री मिला करके और 1 गिलास दूध के साथ इसका सेवन करें। दोस्तों यकीन मानिए आपके शरीर फौलाद बना देगा, आपके शरीर में जो कमजोरी है उसको दूर करेगा, स्टेमिना को बढ़ाएगा, आपकी जो नपुंसकता की बीमारी है उसको भी दूर करने के लिए बहुत अच्छा है। दोस्तों अगर किसी को हार्ट ब्लड प्रेशर की समस्या है तो दोस्तों उनके लिए भी बहुत अच्छा है, इसके जड़ का आप काढ़ा बना करके सेवन करें दोस्तों, उससे भी आपको बहुत आराम मिलेगा और ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है। इसे दोस्तों सदाबहार बहुत ही फायदेमंद है, आप इसको बागवानी में गमले में लगा करके आप इसका फ़ायदा ले सकते हैं और साथ साथ दोस्तों आपकी बागवानी का भी सुंदरता बढ़ाएगी क्योंकि इसके फूल बहुत ही सुंदर बहुत ही मनमोहक होता है। तो दोस्तों आज हमने बताया सदाबहार के कुछ फ़ायदे के बारे में, इसके फूल के फायदे पत्ते के जड़ के। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की जानकारी अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी तो एक लाइक कर देना। फिर मिलते हैं एक नई जड़ी बूटी के साथ एक नई औषधि के साथ, तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहें। नमस्कार दोस्तों।